हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। जितने भी एमबीपीएससी एस्पिरेंट्स सभी लोग जानते हैं कि अभी 2024 का मेंस का एग्जाम चल रहा है। अभी आपके 2 से 3 पेपर्स हो चुके हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए इन सभी पेपर्स को आप अच्छे से एनालिसिस करें, क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ है ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ है। क्योंकि आपको पता कि आपके एग्जाम में कई चेंजेस किए गए हैं, एग्जाम की मार्किंग में चेंजेस किए गए हैं। आपके 2 मार्क का 7 मार्क और 10 मार्क के क्वेश्चन आपके आए हैं, और उसके बाद में कई टॉपिक, कई सब्जेक्ट ऐसे जो इसके अंदर न्यू ऐड किए हैं। खासकर आप सोशियोलॉजी को जरूर देखिए कि सोशियोलॉजी क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आए हैं, और उसके बाद में जो नए टॉपिक ऐड हो उसे क्वेश्चन कैसे आए हैं। अभी को लेकर कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं कि बहुत सारी कोचिंग ने अपने अलग अलग नोट्स प्रेजेंट किए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो निर्माण आईएएस हो, आकर आईएएस हो, सिविल जॉब्स हो, दर्पण हो, या उत्कल क्लासेस हो, या एमजीआईसी हो, सभी ने अपने अपने नोट्स मार्केट में प्रेजेंट किए हैं। अब इसी बीच में क्या हुआ है कि बहुत सारी कोचिंग अपने अपने नोट्स को प्रेजेंट कर रही है कि हमारे नोट से इतने क्वेश्चन आए, हमारे नोट से सीधे क्वेश्चन आए, या हमारे नोट से सारे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। तो देखिए 100% किसी भी कोचिंग के नोट से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ये रियलिटी है। ठीक है, अब बात करें, मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को फॉलो करेंगे तो 80 to 90% सिलेबस आपका सभी कोचिंग से कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप बात करें हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आपके आए, अब ये बेसिक टॉपिक है जो कि आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आकार में है या निर्माण में, एमजीएस में ही दिया हुआ है, अदर कोचिंग्स में नहीं दिया। ये सिलेबस का सबसे मेन पार्ट है आपका। जैसे यूनिट 5th पढ़ते हो पेपर 1 की हिस्ट्री वाले पोर्शन की, तो उसमें सभी के नाम दिए हैं, तो डेफिनेटली हर कोचिंग ने उसको कवर किया ही होगा। तो यहाँ पे ऐसा ना करें कि बहुत सारे स्टूडेंट का मन में क्वेश्चन था कि हमने आकर आईएएस के नोट्स ले लिए बट निर्माण ने बताया कि हमारे बुक से सारे क्वेश्चन आए, ये उत्कर्ष ने बताया कि हमारी बुक से सारे क्वेश्चन आए, ये सत्येंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि हमारी बुक से सारे क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं, आपके पास जो नोट्स है ना, आप वहां पे भी मैच करोगे तो बहुत सारी चीजें आपके नोट से भी आई हुई है। बता रही हूँ ताकि आप किस तरह नोट्स की तरफ, दूसरे नोट्स की तरफ डाइवर्ट ना हो, कि खुद के सेल्फ नोट्स भी होंगे या किसी कोचिंग के नोट्स भी होंगे, तो कई सारा परसेंटेज ऐसा होगा जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आए हुए, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं गया है। आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों का सिलेक्शन करें कि क्या सिलेबस में है और किसमें कितना अच्छा कंटेंट दिया है, ना कि इस तरफ भागे कि इस कोचिंग में से इतने सारे क्वेश्चन आए, उस कोचिंग में से इतने सारे क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका सिलेबस किस कोचिंग के नोट्स में अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, लैंग्वेज उसकी समझ में आ रही है। आप, मैं आपको फिर भी बोल रही हूँ, किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले, आपका सिलेबस कवर होगा 80 to 90%। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उस कोचिंग के नोट्स से, तो उसका परसेंटेज भी 80 to 85% होता ही है। क्योंकि बेसिक चीजें होती है जो आपके सिलेबस में दी हुई रहती है। जैसे तिलक के ऊपर एक क्वेश्चन आया, लोकमान्य तिलक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो टॉपिक है जो आपकी हर कोचिंग के नोट्स में कवर किया गया है। जैसे कि चंबल नदी, अभी जो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन आया, चंबल नदी के बारे में आया है, अमरकंटक के बारे में आया है, तो ये चीजें आपको नॉर्मली कवर हो जाएगी। आप इनके क्वेश्चन की तरफ ऐसा ना भागे। हाँ, हिस्ट्री में आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर साल जो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलते हैं। जैसे लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा होगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन 3 मार्कर में ऐसे थे जो कि कहीं भी आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिले। तो हिस्ट्री का तो आप अंदाजा लगाना छोड़ दीजिए कि हिस्ट्री का कहाँ से कवर होगा। हम हमेशा उस 1-2 क्वेश्चन की तरफ भागते हैं जो हमारे नोट्स में नहीं होते। ऐसा आपको लगता है कि नहीं, नए क्वेश्चन आ गए, कहाँ से कवर होगा, कैसे कवर होगा। आप उस 80% क्वेश्चन की तरफ जाइए जहाँ आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इजीली उनको कर सकते हैं अटेम्प्ट। जो नहीं हो रहा है वो किसी से नहीं होगा, तो आप इन चीजों की तरफ ना भागे। और जो आपके मन में सवाल है कि हमने जो नोट्स ले लिए उसमें से कम क्वेश्चन आए हैं, किसी और कोचिंग में उससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, आप ध्यान से अपने खुद के भी नोट्स को देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके खुद के नोट्स में भी मिल जाएंगे, आपने किसी भी कोचिंग के नोट्स लिए हो। इन सभी बात करने का मतलब यही था कि आप जो कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रहे हैं या अपने सेल्फ नोट्स बना रहे हैं या जिस कोचिंग के नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं, आप उसको ही फॉलो करें, ना कि किसी और तरफ क्यों डाइवर्ट करें। क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया होगा उस कोचिंग के नोट्स से या अपने सेल्फ नोट्स बना लिए होंगे। अभी जो माहौल बना हुआ है कि इस बुक में से इतना आया, इस नोट्स में से इतना आया है, उसकी तरफ देखकर आप भटके ना, आप अपने रास्ते पर कंटिन्यू चलते रहिए। और जो चीजें आपको लगती कमी कि हाँ ये चीजें नहीं है, तो आप एक्सपीरियंस होते हो, आप अपने नोट्स में उसको अपडेट करते चले, ठीक है, जैसे भटके ना चीजों को लेकर, ठीक है। तो हम मोटिव यही था चीजों को लेकर जो मैंने आपको बताया है। तो आप पेपर्स को जरूर जाके देखिए, टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका है, अगर आपको नहीं मिला है तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा, वहां पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको जो अभी पेपर्स चल रहे हैं मेंस के, वो सारे पेपर्स आपको व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो आपका मेंस का जो पूरा सिलेबस है, इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है सोशियोलॉजी वाला, उसमें कई चेंजेस हुए हैं। मतलब सोशियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो कई से नया ऐड हुआ है।
उसको लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल थे कि हम किस कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर ले, क्योंकि सोशियोलॉजी को लेकर मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा कि हम किस कोचिंग के नोट्स फॉलो करें जिससे कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए एंड हमें चीजें आसानी से और इजिली समझ में आ जाए। तो देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, इससे पहले मैं कई सारे कोचिंग के रिव्यूज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उनमें से किसी भी कोचिंग अगर आपको समझ में आ रहे, लैंग्वेज समझ में आ रही, प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर सोशियोलॉजी। अगर आपने पहले से किसी कोचिंग का ले लिया तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी कहने पे या मेरे कहने पे आप किसी और कोचिंग के नोट्स को फॉलो करें, ठीक है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमने चीजें आपके साथ पहले भी शेयर की है, क्योंकि चीजें समझ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ना कि किसी कहने की तरफ आप जाए, ठीक है। तो आज हम पूरी बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी को लेकर कि हमें सोशियोलॉजी के लिए किस कोचिंग के नोट्स को फॉलो करना चाहिए। तो मैं अपने साइड से कुछ दो ऑप्शन आपको बताऊंगी, इसके अलावा भी अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हैं या बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिन्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, वो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैंने कोई दो कोचिंग के नोट्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। अगर उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट को लेकर आपको चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट के लिए किस नोट्स को फॉलो करें, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हमें किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है कि हम किस कोचिंग के नोट्स को फॉलो करें, तो उसके लिए पूरी स्टडी करनी होती है कि हम किसमें क्या दिया है, किसमें कैसी लैंग्वेज दी है, प्रेजेंटेशन क्या, ये सब कुछ ओवरऑल पढ़ने के बाद एक फाइनलाइज किया जाता है। तो आपको किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई डाउट हो, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हमें बातचीत करनी चाहिए, 24 का मेंस का एग्जाम हुआ है, तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में मैसेज के बता सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा, आप उस पे भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स का रिव्यू देखना है, जैसे हमने कई सारी कोचिंग के नोट्स का रिव्यू कर चुके हैं, निर्माण आईएएस, आकर आईएएस, उत्कर्ष का कर चुके हैं, दर्पण पब्लिकेशन का कर चुके हैं, आई मैग्नस कोचिंग का कर चुके हैं, इन सभी का रिव्यू देखना है, तो आपको साइड में प्लेलिस्ट की लिस्ट आपको दिख रही होगी, आप स्टडी माई वे के प्लेलिस्ट में जाएंगे, एमपीपीएससी 2024-25 की प्लेलिस्ट बनी, उसमें आपको सारे रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी कोचिंग का रिव्यूज आपको देखना है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। जैसे सोशियोलॉजी की जब हम बात करें तो उसके लिए कई सारे स्टूडेंट के सवाल थे, तो उसके लिए हम फाइनली हम बात करने वाले हैं, तो हम देखते हैं कौन सी वो दो कोचिंग है जिसके लिए हमें सोशियोलॉजी के नोट्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं अभी भी आपको बताया, इसके अलावा भी अगर आपको किसी कोचिंग के नोट समझ में आ रहे हैं तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। ये हम हमारे साइड से आपको दो रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं अगर कोई टीचर्स ने आपको अच्छे से नोट्स भी बताए तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर पे आपको बताऊंगी अगर सोशियोलॉजी को फॉलो करना है तो सिविल जॉब्स की ये दो बुक आई है जिसके अंदर कंप्लीट आपकी 5 यूनिट है। इस बुकलेट में आपकी यूनिट 1 और 2 है और इस बुकलेट में आपकी यूनिट 3, 4, 5 है, ठीक है। अब ये दो बुकलेट है सोशियोलॉजी के लिए, इन दोनों बुकलेट का जो सैंपल पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का सैंपल पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका है। इसका इंग्लिश वाला अभी नहीं आया है, इसकी इंग्लिश की यूनिट 1 और 2 आई है, 3, 4, 5 अभी नहीं आई है। अगर आपको उसके रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है या प्रारंभ बुक्स गैलरी की व्हाट्सअप लिंक और टेलीग्राम लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर भी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। इसका जो सैंपल पीडीएफ है आपको प्रारंभ बुक्स गैलरी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या स्टडी माई वे के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, आप कहीं भी जाके इसको देख सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिविल जॉब्स को क्यों सिलेक्ट किया, देखो सबसे पहली बात सिविल जॉब्स में एक चीज ये नहीं है कि इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं दी है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर, जो कि देना चाहिए था वो नहीं दिया हुआ है। बात उसके अलावा बात करें, इन्होंने जो सिलेबस है उसको बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, बहुत ईजी लैंग्वेज चीजों को बताया है, इसलिए इजिली हर स्टूडेंट को चीजें समझ में आ जाएगी। दूसरी बात करें, यहाँ पे प्रेजेंटेशन काफी अच्छा किया गया है, जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आप किस तरह से उसको लिख सकते हो, 10 नंबर में क्वेश्चन आया, 7 नंबर में पूछा गया है तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो। बाकी जो सिलेबस अकॉर्डिंग जो चीजें होनी थी वो उसके अंदर ओवरऑल सारी कंप्लीट की गई है, तो हर चीज को यहाँ पे फ्लो चार्ट भी यूज किया है, पैराग्राफ भी यूज किया गया है, सब टॉपिक को भी कैसे एक्सप्लेन किया, पॉइंट का भी यूज किया है, तो ओवरऑल सभी चीजों को देखते हुए सोशियोलॉजी के लिए सिविल जॉब्स के नोट्स मैंने आपके सामने बताए। अब दूसरी कौन सी कोचिंग है जिसके नोट्स हमें सोशियोलॉजी के लिए फॉलो करना चाहिए, तो सेकंड कोचिंग है निर्माण आईएएस की कोचिंग। निर्माण आईएएस ने अपनी कंप्लीट 5 यूनिट के लिए अलग अलग बुकलेट निकाली है। अब यहाँ पे भी सवाल क्या आता है, क्या इसमें 5 अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग बुकलेट है, इसमें ज्यादा दिया है सिविल जॉब्स में, कंटेंट कम दिया है क्या? देखो ऐसा नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको दोनों नोट्स में मिल जाएगा। हो सकता है कुछ चीजों को इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया इसलिए अलग अलग बुकलेट निकाली, और बहुत ज्यादा मोटी नहीं, पत्ती पत्ती बुकलेट से, तो आप कंपेयर करोगे तो लगभग उतना ही पोर्शन आपको मिलने वाला है। मैं यहाँ आपको, अब आप इसमें भी बोले कि दोनों में से भी बेस्ट बता दीजिए, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी होगी क्योंकि आपको भी चीजें समझ में आना चाहिए। तो
तो सोशियोलॉजी के जो निर्माण आए, इसके जो नोट्स है, इसकी भी सैम्पल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे बात करें, ये यूनिट 4 की बुक है, अभी ज्यादा पेजेस की बुक नहीं है, तो आप इन सभी को कंबाइंड भी करेंगे तो लगभग उतने ही पेजेस बनेंगे जितने की सिविल जॉब्स में है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग बुकलेट निकाली। जैसे कि यूनिट 4 के लिए बुकलेट है, ये यूनिट 5 के लिए अलग से बुक है, यूनिट 3 के लिए है, उसके बाद में ये यूनिट 2 के लिए है, और ये यूनिट 1 के लिए है। तो इसे कंप्लीट 5 यूनिट की यहाँ पे बुकलेट निकाली। अब देखो यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। बाकी ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा है। लैंग्वेज एक बार आप निर्माण आयोग जरूर पढ़ के देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें। बाकी तो प्रेजेंटेशन काफी अच्छा दिया है। 2 मार्कर 3 मार्कर 2 मार्कर 7 मार्कर 10 मार्कर के हिसाब से सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई है। तो इन सभी का सैम्पल पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार फिर से अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप इसको आसानी से पढ़ के देखें। आज हमने सोशियोलॉजी वाले सब्जेक्ट को लेकर बात की, ऐसे किसी और सब्जेक्ट पे अगर हमें बात करनी है, हम किस कोचिंग के नोट्स को फॉलो करें, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और इस पूरे वीडियो में अगर कोई भी आपका सवाल हो तो उसको आप हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि हम आने वाले वीडियोस में उसके लिए जरूर बात करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और भी किसी चीज पर अगर वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोचिंग के रिव्यू के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।